गीता क्लोनी वार्ड से पार्षद व प्रदेश मंत्री नीमा भगत व नेता सदन परवेज जी द्वारा इलाके में कराई गई सीलिंग से डी सीलिंग। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में जो सीलिंग प्रॉपर्टी थी अब उनको डी सीलिंग कर दिया गया है, जिससे कि स्थानीय जनता जिनकी दुकानें जिनकी प्रॉपर्टी सील थी वह बेहद खुश हैं। वहीं पार्षद व प्रदेश मंत्री नीमा भगत ने कहा कि इलाके में 9 लोकेशन है, 9 लोकेशन में जितनी भी प्रॉपर्टी दुकानें हैं अब उन सभी को धीरे धीरे उनको खोला जा रहा है, इससे जनता बेहद खुश है। क्योंकि दुकानें जो बंद पड़ी थी सालों से, उनका जिनका रोज़मर्रा का काम चला था उन दुकानों के से चलता था, जो बंद पड़ी थी परेशान थे, अब इसका अहम फैसला लिया है ADMC की तरफ से। आप देख सकते हैं कि जो नेता सदन है परवेज जी, उनका कहना था कि जो 2017 में से लेकर अब तक कुछ दुकानें सील हो गई थी और ये 2007 से लगातार ये प्रयास चल रहा था, जो अब ADMC के द्वारा BJP की जो केंद्र में सरकार BJP है और BJP MCD में भी है और एक जनता के लिए प्रयास चालू किया है, जो जिनकी दुकानें जिनकी प्रॉपर्टी बंद थी उनको अब डी सील किया जा रहा है। और साथ ही इन्होंने एक आरोप लगाया था कि जो दिल्ली सरकार के कारण ही ये दिल्ली के अंदर जो दुकानें जो प्रॉपर्टी सील हुई थी, क्योंकि जो रोड जो हाईकोर्ट के तरफ से कुछ रोड के मैप मांगे गए थे, जानकारी मांगी गई थी, जो नहीं दे पाई थी दिल्ली सरकार, जिसके बाद जो प्रॉपर्टी थी और जो दुकानें थी उन सभी को सील कर दिया था। आप देख सकते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी सील है उनको लेटर दिया जा रहा है और उनका जो प्रॉपर्टी है उनको डी सील की जा रही है। संजय भाई, MCD जो सीलिंग जो हुई है ये वाली पार्किंग की, ये सारी की सारी सीलिंग पूरी दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी की सीलिंग है। MCD खाली टूल है एक सील करने का, सारे के सारे ऑर्डर्स सारा एक्शन प्लान जो है वो मॉनिटरिंग कमेटी का है, ठीक है। और हमारी पार्टी समय समय पर देखेंगे इसके खिलाफ लड़ती रही है। पूर्व के अंदर अभी 1.5 साल पहले हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, गोकुलपुर गांव में सील तोड़ी, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और कोर्ट के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी, माफ़ी नहीं मांगी मॉनिटरिंग कमेटी से, उसको पूरे डिफेंड किया, पूरी लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीते उसके बाद। संजय भाई, कि सीलिंग अगर आपको ध्यान हो 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे, दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जवाब नहीं दे पाई थी 2 साल तक, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई है दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली सरकार की लापरवाही, उसकी जन विरोधी जो उसकी सोच है उसका परिणाम है। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्षद, हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार लड़ाई लड़ता रहा और कोर्ट के अंदर आज हमारे एडवोकेट्स ने लड़ाई लड़ी। जमुना बार के अंदर अभी खाली ADMC की 756 प्रॉपर्टी हम लोग डिसील कर रहे हैं। ये जो सीलिंग हुई है ये मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू हुई है, इसका 101% जो दोषी दिल्ली सरकार है, यदि वो 300 सड़कें नोटिफाई हो जाती तो कभी भी ये सीलिंग की तलवार नहीं लटकती, क्योंकि वो 351 सड़कों के बारे में जो हाईकोर्ट ने पूछा इनके पास कोई जवाब नहीं था, इन्होंने और ऑर्डर मांगे थे, क्योंकि तब मैं मेयर थी जब ये सिस्टम था, उसी समय ये डिसाइड हुआ था कि ये सील कर दी जाए, क्योंकि टूल सिर्फ निगम के पास है, इसलिए हम लोगों को आके सील करना पड़ा। हमारा दोष सिर्फ इतना है, ऑर्डर सारा मॉनिटरिंग कमेटी का था, दिल्ली सरकार का था। कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार की नाकामी के बाद जो है इस तरह के हालात बने कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में जो है सीलिंग के ऑर्डर देने पड़े, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा एक विषय था। लेकिन अभी हमारा बड़ा सहयोग है, बड़ा खुशकिस्मत है कि हम लोग एक अपने प्रयास में सफल होते नज़र आ रहे हैं। आज गीता कॉलोनी में 9 प्रॉपर्टियों को डी सील करने के ऑर्डर हम लोग लेके आए हैं। 9 प्रॉपर्टियाँ मतलब 9 लोकेशन हैं, 9 लोकेशन में कहीं पे जो है मतलब एक ही प्रॉपर्टी के अंदर जैसे 6 दुकानें थी, तो वो 6 दुकानों को हम एक यूनिट मान रहे हैं उसको, इस प्रकार से टोटल 9 यूनिट आज हम डी सील करने जा रहे हैं।